कॉनवेक्स वर्सेस कॉनकेव लेंस। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों लेंस के डिफरेंस के बारे में आपको बताने वाले हैं, साथ ही हम ये भी आपको बताएंगे कि आप इन दोनों लेंसों की पहचान कैसे कर सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं तो आप खुद ही जान पाएंगे कि आपके चश्मे में कौन सा लेंस लगा हुआ है। कॉन्वेक्स लेंस, जिसे हम हिंदी में उत्तल लेंस भी कहते हैं, और वहीं पे कॉनकेव लेंस, जिसे हम हिंदी में अवतल लेंस भी कहते हैं। अब इसको पहचानने का सिंपल सा तरीका है, जिस लेंस का किनारा पतला होता है और सेंटर जो है मोटा होता है, उसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि उत्तल लेंस। ठीक है, अगर आप एक ऑप्टिशियन है या चश्मा लगा रहे होंगे तो आप अपने लेंस को छू कर भी पता कर सकते हैं कि आपके चश्मे में कौन सा लेंस लगा हुआ है। तो ये होता है कॉन्वेक्स लेंस, जिसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। वहीं पर अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें तो कॉनकेव लेंस का किनारा मोटा होता है और जो सेंटर है वो पतला होता है, तो ये होता है आपका अवतल लेंस। कॉन्वेक्स लेंस मोटा होता है इसलिए वो प्रकाश को ज़्यादा दूर तक जाने नहीं देता है। वहीं पर कॉनकेव लेंस ये पतला होता है, इसका सेंटर जो देखेंगे वो बिल्कुल पतला होता है, इसलिए प्रकाश को बहुत दूर तक फैला सकता है। कॉन्वेक्स लेंस ये किरणों को एकत्रित कर देता है। वो सब कैसे होता है, जैसे कि अगर कोई किरणें इसकी लेंस के ऊपर आती हैं तो ये ज़्यादा दूर जाने नहीं देती है। मोटा लेंस होने की वजह से प्रकाश बहुत दूर तक नहीं जाती है और एक जगह आकर ये रुक जाती है, और यहाँ पर ये बनता है फोकस। किरणों को एकत्रित करने के कारण ही इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक है, ये कन्वर्जिंग लेंस हो गया, जिसको हिंदी में अभिसारी लेंस कहा जाता है। वहीं पर अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करते हैं तो अगर आप इसमें प्रकाश की किरणें डालते हैं तो ये क्या करते हैं, लेंस के पार फैल जाती है, ये अलग अलग दिशा में फैल जाती है, इसलिए काफ़ी दूरी तक जाता है, यानी कि जितनी भी दूर तक ये जाता है प्रकाश को बहुत दूर तक लेके जाता है, तो इस लेंस में किरणें फैल जाती है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, और हिंदी में इसको हम कहते हैं अपसारी लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की पावर क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, ये चीज़ों को बड़ा करके दिखा देती है, एक प्रकार से जूम करके दिखा देती है। वहीं पर कॉनकेव लेंस में पावर की क्षमता काफ़ी कम होती है, ये चीज़ों को जूम नहीं कर पाती बल्कि सामान्य से और छोटा करके दिखाती है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकस हमेशा पॉजिटिव बनता है और वहीं पर कॉनकेव लेंस का फोकस हमेशा निगेटिव बनता है। तो अब आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा कि आपके चश्मे में कौन सा लेंस लगा हुआ है। यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस, जिसे हम अवतल लेंस कहते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव फोकस देता है, यानी कि पॉजिटिव मतलब प्लस में, और कॉनकेव लेंस जो होता है ये हमेशा इसका फोकस जो होता है माइनस में। तो आप समझ गए होंगे कि आपके चश्मे में कौन सा लेंस है। पहले तो आप अपने चश्मे को देख लीजिए कि आपका लेंस का टाइप क्या है, या इस टाइप का है या फिर इस टाइप का है, तो आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आपका चश्मा प्लस में है या फिर माइनस में है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक करें, चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार, जय।